तो इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है 6 kg का, 30 डिग्री वेज एंगल है, फिक्स्ड वेज है, और यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशियंट 3/2 गिवेन है बेटा है। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशियंट यहाँ पर 3/2 गिवेन है, और आपको इस ब्लॉक का एक्सलरेशन बताना है, एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक और फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। आपने ब्लॉक को ऐसे रख के रिलीज कर दिया, ठीक है, तो एम जी साइन थीटा से खींचेगा ये, बट चलेगा या नहीं चलेगा डिपेंड करता है कि ये खींचने वाला फोर्स, इसका एफ बी डी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे ना बेटा, ये आपने ढंग से एफ बी डी ड्रॉ नहीं किया शायद इसका। पहले तो देखो ये तो दो फोर्सेस पता ही हैं आपको, एम जी साइन 30, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को, एम जी कॉस 30, और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये तो इतना रहेगा है ना इसमें। अब कह रहे हैं कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा डिपेंड करता है बेटा कि ये जो एम जी साइन 30 है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है या नहीं, ये सीधी सी बात है इतना, इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा वेज पर, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो एम जी साइन 30 डाउन द प्लेन लग रहा है इस पर, एम जी साइन 30 जो डाउन द प्लेन लग रहा है, ये आपका जो एम जी साइन 30 है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है या नहीं, सब चीज़ इस पर डिपेंड करती है। तो आप पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो निकालो, क्या बताया मैंने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे क्या नॉर्मल रिएक्शन आप एम जी लगा रहे हो क्या यहाँ पे, अगर नॉर्मल रिएक्शन आप एम जी यूज कर रहे हैं तो बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हैं बेटा, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन एम जी थोड़ी नहीं रहेगी, यहाँ पर किसके बराबर आ रही, बैलेंस करो वर्टिकल डायरेक्शन में, एम जी कॉस 30 के बराबर आ रही। हाँ बिल्कुल बेटा, तो देखिए आप म्यू कितना रखेंगे, म्यू रख दिया आपने 3/2, ठीक है, मतलब एफ इसको लिख देते हैं पहले, म्यू एम जी कॉस 30, म्यू एम जी कॉस 30 आपके वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो कितना आ रहा है, म्यू की जगह आप रखो 3/2, एम को ऐसे रहने दो, और ये जी की वैल्यू कितनी रखोगे, 10 रखोगे, कॉस 30 कितना आ रहा है, √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, पॉइंट वाइंट √3 आपको याद होना चाहिए, 1.73, तो ये एम इंटू 12.9 आ जाएगा, ठीक है, और एम जी साइन 30 की वैल्यू कितनी है जो नीचे गिराने वाला फोर्स है, रख दो इसमें भी 10 × 1/2, कितना आ गया, एम इंटू 5 आ रहा है, तो बस ये बेटा एम जी साइन 30 तो इससे ज़्यादा है ही नहीं फ्रिक्शन की वैल्यू से, देख रहे हो, एम जी साइन 30 इज लेस देन, ये क्या गलती कर रहे थे आप इस क्वेश्चन में से, साफ दिख रहा है गिराने वाला फोर्स है तो ये इसको तभी चला पाएगा जब ये नीचे खींचने वाले फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा कितना, एम इंटू 5, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, एम इंटू 12.9, तो आपको समझ में आ रहा है कि एम जी साइन 30 इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं बेटा, ये ब्लॉक क्यों चलेगा, ये ब्लॉक बिल्कुल नहीं चलेगा, एम जी साइन 30 इज लेस देन एफ मैक्स, ठीक है, तो ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर मूव करेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सलरेशन इक्वल टू 0, पहला आंसर तो यहाँ आ गया। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बताओ, क्या होगा फ्रिक्शन, ब्लॉक तो नहीं चल रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं है तो म्यू एन तो नहीं लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसमें बताओ, कितना होगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, किसके बराबर होगा बोलिए सुप्रिया, आप बताइए बेटा फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्सलरेशन तो 0 आ गया, चल ही नहीं पा रहा है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, रोक लेगा फ्रिक्शन, बट रोका तो फ्रिक्शन कितना लगा, कौन बताएगा फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, इतना बताने के बाद कौन बता सकता है, फ्रिक्शनल इक्वल टू, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, हाँ वेरी गुड, क्या करेंगे बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर ही तो होगी क्योंकि जितनी जरूरत होती है उतना ही लगता है, फालतू में नहीं लगता है बेटा, इसको रोक के रखने के लिए इधर एम जी साइन 30 लग रहा है तो पीछे क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन भी एम जी साइन थीटा के बराबर, अगर ये एम जी साइन 30 से कम होती मैक्सिमम वैल्यू तो फिर ये चलता, फिर ब्लॉक चलने लग जाता, ठीक है, और फ्रिक्शन अपना म्यू एन लगता रहता हमेशा तो एक्सलरेशन निकालते, तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, एम मास कितना है आपका, देखो M6 दे रखा है आपको, ये आपका 10 है, 1/2, तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है आपका, आंसर फ्रिक्शनल फोर्स का 30 न्यूटन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एक्सलरेशन तो 0 और फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो वो मुझे बताए बेटा। अगर यहाँ पे मान लो आप फ्रिक्शन कुछ कम कर देते, फ्रिक्शन आप ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 3.2 की जगह 0.001 कर देते तो आपका ये क्या होता बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कम आ जाती ना, तो फिर कैसे निकलता इसका एक्सलरेशन, फ्रिक्शन तो म्यू एन लगता, फिर मैक्सिमम म्यू इन टू एन मतलब म्यू एम जी कॉस 30 के बराबर फ्रिक्शन रहता। और क्या इक्वेशन बनाते हैं आप, एम जी साइन 30 माइनस म्यू एम जी कॉस 30 इक्वल टू एम इन टू ए, तो वहां से फिर वैसे एक्सलरेशन निकलता अगर फ्रिक्शन हार जाता तो। बट यहाँ पर आप एम जी साइन 30 फ्रिक्शन को हरा नहीं पाया, फ्रिक्शन नहीं आ रहा, नहीं हारता तब ज्यादा दिक्कत करती है फ्रिक्शन की वैल्यू, तब थोड़ा ध्यान से देखना होगा। नहीं हारा मतलब क्या है कि ये चलने ही नहीं देगा, इसको चलने नहीं देगा तो किसके बराबर होगा, एम जी साइन 30 के बराबर होगा। आंख बंद करके म्यू इंटू एन नहीं लगा देंगे जैसा कई बच्चों ने किया है, ठीक है? तो इतनी अपनी आंखें बंद नहीं रखेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे चीजों को, ठीक है ना? बहुत बच्चों ने अभी दिया 45√3 इसी की वैल्यू बता रहे होंगे म्यू एम जी कॉस 30 की, बट मैंने देर से चिल्ला रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन है, थोड़ा ध्यान से निकालें, उतनी ही जरूरत होती है जितने उतना ही लगता है जितनी जरूरत होती है, बिना जरूरत के नहीं लगता है, यही फ्रिक